갑자기 내게 나타나준 너. Guys, good afternoon. तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है लाइफ ऑफ इंडियन हाउसवाइफ कुमकुम। तो अभी मैं जा रही किचन में, तो आज का व्लॉग मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए, तो मैं अभी बनाने वाली हूँ फिश। ये रू फिश है, इसको मैंने हल्दी नमक लगा के रख दिया था, तो अभी मैं यही बनाने वाली हूँ। प्यादी मोबाइल में पता नहीं क्या कर रहा है, तो अभी जाएगा नहाने। तो आदि नहाने चले जाना, ठीक है। और उसके पापा बना रहे हैं सलाद, यहाँ पे उसके पापा बना रहे हैं सलाद, बना रहे हैं। तो चलिए लंच बना लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, तो मैं अभी इसमें रूई फिश फ्राई करूंगी। थोड़ा नमक दे दूंगी और इसे ढक दूंगी। फ्राई हो रहा है वहाँ पे, तो आज मैं बनाने वाली हूँ रू फिश। बंगाली फिश है ये, तो वही बंगाली स्टाइल में बनाने वाली हूँ, माछेर कालिया और सोरसे बाटा। तो वो रेसिपी मैं आपके साथ बाद में कभी शेयर करूँगी। और हम लोग जो फिश है ना, बहुत दिन के बाद लाए हैं, क्योंकि मेरा बेटा फिश नहीं खाता है, चिकन भी इतना नहीं खाता है, कम खाता है, वो ज़्यादातर वेज ही खाता है। तो आप लोग देखते होंगे व्लॉग में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेज ही मेरी रेसिपी रहती है। तो आज बहुत दिनों के बाद मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट, तो फिश लेके आए। चलिए माछेर कालिया बना लेते हैं। और अमेजोन से कुछ सामान मंगाया था, यहाँ पे रख दिया है, तो मैं आपको इवनिंग में बताऊँगी कि मैंने क्या परचेस किया है, इतने बड़े बॉक्स में क्या आया है। ये बड़ा बॉक्स है, ये छोटा और भी आएगा, तो वो देखेंगे। और अभी आदि जाएगा नहाने, और आदि बहुत ही लेजी है, वो बहुत लेजी है। वो सुबह उठता है ना, तो वो सबसे पहले ब्रश भी नहीं, ऐसा बैठा रहता है, फिर उसको बोलना पड़ता है कि जाओ ब्रश करने। अभी वो नहाने जाए, तो ये और गोल्डन हो जाए, तो मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है माछेर कालिया, और सबसे ज़्यादा तो सोरसे बाटा दिए, माछेर तीन टमाटर, छोटे छोटे टमाटर है, मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे पूरा गलने तक वेट करूंगी। तो मैं इसे ढक के रख देती हूँ, जिससे कि टमाटर गल जाएंगे। और यहाँ पे भी ये फिश करी हो चुका है, टमाटर गल चुके हैं, तो मैं इसमें सारे जो बेसिक मसाले हैं वो ऐड कर दूंगी। मच हल्दी दूंगी, हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है फिश करी में, मतलब माछेर कालिया में, नहीं तो हल्दी हल्दी दिखेगा। और इसके बाद रेड चिली पाउडर ज़्यादा डालूंगी, थोड़ा स्पाइसी बनाऊंगी मैं। और इसे भी मिक्स कर, धनिया जीरा पाउडर है ये भी मैं थोड़ा ज़्यादा डालूंगी, जिससे कि ग्रेवी ज़्यादा बनेगी। तो आधा चम्मच मैंने हल्दी डाला है, और डेढ़ चम्मच जितना जीरा धनिया पाउडर, और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप कितना स्पाइसी खाते हो उस हिसाब से आप लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो। फिर ये इसको मिक्स करके इसे मैं फिर से 2 मिनट के लिए ढकूंगी, ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट के लिए। तो ये टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है और मसाले भी भून चुके हैं, तो इस टाइम पे मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी, मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी,
आधा चम्मच इतना। रू फिश है ये ऐड कर दीजिए। ये बन चुका है हमारा, तो देखिए ये बन चुका है। तो मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ट्राई किया था, मैं इसमें ही निकाल लूंगी। मैं हरा धनिया से इसे गार्निश कर लूंगी। मैंने इसकी गार्निश भी कर ली है। तो रेडी हो चुका है हमारा रू फिश कालिया, माछेद कालिया। तो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा मेनू लंच संडे का स्पेशल बंगाली स्टाइल लंच है हमारा। ये है रू फिश का तेल झोल सोरसे बाटा दिए, और ये है माछेर कालिया, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बनाया था सलाद, अच्छे से डिजाइन करके रखा है उन्होंने। कैसा है आदि को, कैसा लगा? आदि को बहुत पसंद है गाजर, क्योंकि वो है रैबिट। रैबिट है ना, हाँ। तो हमारा आज का लंच तैयार है, तो हम लोग अभी लंच कर लेते हैं। तो मिलती हूँ आपको इवनिंग में, तो बने रहिएगा। और मुझे अनबॉक्सिंग भी करना है अमेजोन से जो मैंने परचेस किया है, तो देखते रहिएगा। तो मिलती हूँ इवनिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आज हम लोग अमेजोन से कुछ परचेस किए थे, तो वही हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो देखते रहिए। तो आदि आपको कुछ बोलना चाहता है, उसे लग रहा है कि उसके पापा ने उसके लिए गिफ्ट मंगाया है, तो देखो क्या मंगाया है। हमने अमेज़न से कुछ सामान परचेस किया था जो डेली बेसिस पे लगता है, किराना का सामान, तो वही आज अमेज़न से आया था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर कर लूँ। तो ये थोड़े बहुत चीज़ हमने मंगाए थे ऑनलाइन। हम लोग डीमार्ट से परचेस करते हैं, पर अभी डीमार्ट में ऑनलाइन अवेलेबल नहीं बता रहा था, तो इसलिए हमने अमेज़न से ये सब सामान मंगाया है। मैं यहीं पे देन करती हूँ, मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अभी ये क्या करने वाले हो अभी तुम? अभी इसमें भी और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा।